बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलर्स का शिकार होते हैं। चाहे सेलेब्स कोई अच्छी बात करें या बुरी, उनका ट्रोल होना तो निश्चित है। हालांकि अब सेलेब्स भी इन ट्रोलर्स को करारा जवाब देने में जरा भी नहीं चूकते हैं। फरहान अख्तर ने अपने परिवार पर हमला करने वाले ट्रोल्स पर जमकर निशाना साधा है। अभिनेता ने कहा है कि अगर लोगों को उनसे कोई समस्या है तो उन्हें उनके परिवार को तस्वीर में खींचने के बजाय सीधे उनसे बात करनी चाहिए। अभिनेता, जो दिग्गज गीतकार और कवि जावेद अख्तर के बेटे हैं, अक्सर ट्विटर पर ट्रोल से निपटने के लिए देखे जाते हैं। इस गर्मी की शुरुआत में फरहान अख्तर को कई ट्रोल का जवाब देते हुए देखा गया था, जिसमें एक ड्राइव इन टीकाकरण सुविधा का उपयोग करने के लिए उन्हें VIP ब्रेड भी कहा गया है। बॉलीवुड बबल से बात करते हुए फरहान ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने परिवार पर किसी भी कारण से किसी भी तरह से मंच पर हमला करने से खुश होगा। दिन के अंत में अगर आपको मेरे साथ कोई समस्या है तो सही या गलत, मुद्दा मेरे साथ समाप्त होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी और को देना है। मैं यहाँ आपके लिए बात करने में सक्षम होने के लिए हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि अगर कोई आलोचना आपके रास्ते में आती है, जब वह किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, कट्टरता या पूर्वाग्रह में लिपटी होती है, तो आप इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंत में एक व्यक्ति यह प्रकट करता है कि वे कितने घृणित हैं। यह मुझे दिखाता है कि वे कितने बदसूरत हैं। यह मुझे मेरे बारे में बहुत कम, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी चीज के बारे में बातचीत करनी है और उस पर चर्चा करनी है और यहाँ तक कि किसी चीज के बारे में अपना मन बदलना है, तो वह अपने विचारों को बदलने के लिए खुश है। अगर यह एक सम्मानजनक बातचीत है, उन्होंने कहा कि एक क्लासिकल कहावत है, कभी सुअर के साथ कुश्ती मत करो क्योंकि तुम गंदे हो जाओगे, लेकिन सुअर इसे प्यार करता है, तो यह वही है। फरहान आखिरी बार तूफान में नजर आए थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म में उन्होंने एक बॉक्सर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने परेश रावल, मृणाल ठाकुर और हुसैन दलाल के साथ अभिनय किया। फरहान अगली बार आशुतोष गोवारकर की एक्शन फिल्म में दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।